निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में चल रहे श्री 1008 कल्पद्रुम 24 समोचरण महामंडल विधान में भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा सागर में भव्यता के साथ निकाली गई। नगर में अनेक स्थानों पर इस ऐतिहासिक यात्रा का स्वागत किया गया। सभी समाज जन, सभी कमेटियां, सभी सोशल ग्रुप, सभी महिला मंडल, सभी युवा वर्ग इस यात्रा में सम्मिलित होकर भव्य बनाते दिखे। गजब नजारा था विगत दिन सागर नगर में। नगर के रास्तों से होते हुए विशाल जगमगाते रथ और जैन भजनों से गूंजती ध्वनियों से पूरा नगर जैनमय होता दिख रहा था। ये दृश्य थे भाग्योदय तीर्थ से निकाली गई ऐतिहासिक दिग्विजय यात्रा के। सागर के भाग्योदय तीर्थ पर विराजमान निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में श्री 1008 कल्पद्रुम 24 समवशरण महामंडल विधान का आयोजन किया जा रहा है। मांगलिक विधान के क्रम में यह यात्रा भव्यता के साथ निकाली गयी, जिस पर समस्त नगर वासियों की निगाहें टिकी रही। बड़े बुजुर्ग, त्यागी वृत्ति, गृहस्थ, युवा और बच्चे सभी इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा को भव्य बना रहे थे। इन श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति से यह यात्रा सागर नगर में इतिहास रचती नजर आई। नगर के रास्तों में जब यह यात्रा निकली तो इसकी भव्यता के साक्षी न मात्र जैन बल्कि अजैन भी बने। सागर में ये पहली बार था दिग्विजय यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में लोग सम्मिलित हुए। ये यात्रा सागर नगर के लिए अविस्मरणीय सिद्ध हुई। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।